तो फ्रेंड्स, आईटी टेक्निकल जोन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विनोद जांगड़ा, एक लेटेस्ट अपडेट के साथ, एक लेटेस्ट टॉपिक के साथ। प्रिय विद्यार्थियों, आज का जो हमारा जो टॉपिक जो रहेगा कि CITS क्या होता है, ठीक है ना। काफ़ी बच्चों के कमेंट्स आए हुए थे कि सर ITI कंप्लीट कर लिया है, अप्रेंटिस भी कंप्लीट कर लिया, अब हम CITS करना चाहते हैं तो उसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो ही बच्चों को प्रोवाइड करवा देते हैं कि भाई CITS जो होता है वो क्या होता है। तो इसलिए मैंने टाइटल क्या रखा हुआ है, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम। तो प्रिय विद्यार्थियों, शॉर्टकट में इसको बोलते हैं CITS, और थोड़ा और शॉर्टकट में जो पॉपुलर जो नाम जो आपने भी सुना हुआ CTI, ठीक है ना, क्राफ्ट ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, ठीक है ना। तो वो जो CTI का जो कोर्स जो रहता है आपका, वो करने के बाद में आप ITI के अंदर, यानी ITI के अंदर जॉब लग सकते हो, किसकी, इंस्ट्रक्टर की, अनुदेशक की। जो विद्यार्थी ITI कर रहा है या जिन विद्यार्थियों ने ITI कर ली है, जो टीचर आपको प्रशिक्षण देते थे, ट्रेनिंग देते थे, वो आपके अनुदेशक थे, उन्होंने ये कोर्स किया हुआ होता है, उसको बोलते हैं CITS, ठीक है ना, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम, यानी क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग कोर्स भी हम इसको बोल सकते हैं। और ये एक साल का कोर्स होता है। कौन कौन विद्यार्थी इसको कर सकता है और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, कितना इसका समय रहेगा, और ये कहाँ कहाँ पे इसके सेंटर रहेंगे, और सबसे अच्छा कॉलेज जो है वो कहाँ पे है, जहाँ से मैंने ये CITS का कोर्स किया हुआ है, उसके बारे में मैं प्रिय विद्यार्थियों आपको बताऊंगा कि भी ये कोर्स भी मैंने कहाँ से किया हुआ है। तो प्रिय विद्यार्थियों, क्या होता है कि इसकी जो क्वालिफिकेशन जो रहेगी, ITI अगर आपने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है ना, चाहे आपकी ITI एक साल की हो, चाहे आपकी ITI दो साल की हो, ठीक है ना, और आपकी जो ITI जो है वो NCVT होनी चाहिए, वो विद्यार्थी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या है, 3 ईयर डिप्लोमा पॉलिटेक्निक, ठीक है ना, 3 ईयर डिप्लोमा पॉलिटेक्निक वाले विद्यार्थी भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल है फॉर्म ये कोर्स करने के लिए। उसके बाद में बीटेक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं इस कोर्स को करने के बाद। तो ये इसकी क्वालिफिकेशन रहेगी। उसके बाद में काफ़ी बच्चों के कमेंट आए थे, काफ़ी बच्चों ने फ़ोन भी किया कि सर SCVT वाले CTI कर सकते हैं नहीं कर सकते है। तो प्रिय विद्यार्थियों, क्या है कि जिन विद्यार्थियों ने स्टेट लेवल की ITI की हुई है, यानी SCVT की जो ITI की हुई है, वो विद्यार्थी ये CITS का कोर्स यानी CTI है वो नहीं कर सकते, क्योंकि ये NCVT भारत सरकार के द्वारा चलाया जा सकता है। उनके लिए सरकार ने एक ऑप्शन दे दिया है, वो ऑप्शन क्या रहेगा, जिन विद्यार्थियों ने SCVT से ITI की हुई है, अगर उन्होंने NCVT से अप्रेंटिस अगर जिन विद्यार्थियों ने कर ली है, वो विद्यार्थी भी इस कोर्स के अंदर एलिजिबल हैं करने के लिए। तो ये सारे डाउट मैंने क्लियर कर दिए हैं। उसके बाद में क्या है विद्यार्थी, ये एक साल का कोर्स रहेगा, कितने साल का रहेगा, एक साल का कोर्स रहेगा, और इसमें 2 सेमेस्टर रहेंगे, कितने सेमेस्टर रहेंगे, 2 सेमेस्टर, सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2। और इसका जो सेशन जो चलता है वो चलता है 1 अगस्त 2020 से लेके 31 जुलाई 2021 को ये कोर्स समाप्त होता है, ये इसका सेशन होता है। पहले ये कोर्स में दाखिला लेने के लिए आपके 10th ITI प्लस 2 की जो, या फिर ग्रेजुएशन जिन विद्यार्थियों ने किया हुआ था, उनकी परसेंटेज निकाल कर ही आपका दाखिला ले सकते थे। लेकिन 2-3 साल से सरकार ने क्या काम किया है विभाग के द्वारा, कि इसका जो सिस्टम है वो चेंज कर दिया है। अब आपका एक इंटरेस्ट टेस्ट होने लगा, जो टेस्ट क्वालिफाई करेगा उसके अनुसार ही उनके दाखिले होते हैं। तो जैसे दाखिले की इसकी डेट आएगी इंटरेस्ट टेस्ट की, ठीक है ना, तो अप्रैल के अंदर इसकी डेट आ जाती है और मई के अंदर इसका एग्ज़ाम होता है हर बारी। तो जैसे ही अपडेट आएगी तो मेरे चैनल पर आप लगातार अपडेट रहिए, तो जैसी सूचना आएगी तो प्रिय विद्यार्थियों मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। उसके बाद में देख लेते हैं कि भी CITS अगर आपका दाखिला हो जाता है तो कहाँ पे अच्छा रहेगा और कितनी इसकी फीस रहेगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी भारत सरकार के 6 ये सेंटर रहेंगे। कितने सेंटर रहेंगे, 6 सेंटर रहेंगे। ये जो 6 जो सेंटर जो हैं, तो ये कौन कौन से सेंटर हैं आपके, सबसे पहले आपका रहेगा मुंबई, उसके बाद में कानपुर, उसके बाद में हैदराबाद, उसके बाद में मुंबई, उसके बाद में कोलकाता, और उसके बाद में नंबर 6 पे है लुधियाना। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये 6 सेंटर रहेंगे। इसके अलावा भी सेंटर हैं, प्राइवेट सेंटर भी हैं, ठीक है ना, और महिलाओं के लिए भी, लड़कियों के लिए भी अलग से कुछ CTIs
RVTI भी हैं जो अलग से कोर्स कर सकते हैं, उनके लिए एक वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा मैं जल्दी, क्योंकि अगर इस वीडियो में अगर उनका चर्चा करेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो ये कोर्स 6 सेंटर मैंने आपको बताए हुए हैं, तो इनका जो नाम जो क्या है ATI है, ठीक है ना, 6 मैंने बताए हुए हैं ना, तो ATI मुंबई, ATI कानपुर, ATI हैदराबाद, ATI लुधियाना, ATI मुंबई और ATI कानपुर। तो ATI जो क्या होता है, ATI की फुल फॉर्म क्या है, एडवांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, ठीक है ना, जैसे हमारा ITI का नाम होता है ना, जैसे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, उसके अंदर काफ़ी तरह के कोर्स होते हैं, इसी तरह प्रिय विद्यार्थियों ATI जो है उसके अंदर काफ़ी तरह के CTI कोर्स होते हैं, ठीक है। जैसे ही आप गूगल नेट के ऊपर सर्च करोगे तो आपको लिखना है ATI हैदराबाद, ATI लुधियाना, ATI मुंबई, ATI कानपुर। अच्छा, अब इसकी बात कर लेते हैं कि भी कौन कौन सी ट्रेड इनके अंदर होती है। तो प्रिय विद्यार्थियों ट्रेड्स कौन कौन सी होती है, आपकी जो पॉपुलर जो ट्रेड जो है वो सारे कोर्स इस जो सेंटर मैंने आपको बताए हैं 6 के 6, इन ATI के अंदर ये कोर्स करवाए जाते हैं। कौन कौन सी है पॉपुलर जो ट्रेड्स जो रहती है आपकी, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, वायरमैन, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, डीजल मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक, R&SC, टूल एंड डाइव मेकर, सीट मेटल, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल, ड्राफ्टमैन सिविल, काफ़ी और लड़कियों की भी ट्रेड है, जैसे कोपा है, ड्रेस मेकिंग है, ठीक है ना। तो ये जितनी पॉपुलर जो ट्रेड जो रहेगी उनके दाखिले इसके अंदर आप आसानी से एडमिशन ले सकते हो। दूसरा प्रिय विद्यार्थी, इसकी जो फीस है वो नाम मात्र ही है, एक साल की जो फीस जो है आपकी वो लगभग 3,000 रुपये रहेगी, एक साल की बता रहा हूँ मैं आपको, कितनी, एक साल की यानी 1 ईयर की जो फीस जो रहेगी प्रिय विद्यार्थियों वो कितनी रहेगी आपकी, लगभग 3,000 रुपये। इसमें क्या आ जाएगा, एक तो हॉस्टल फीस आ जाएगी आपकी, ठीक है ना, 12 महीनों की हॉस्टल फीस आ जाएगी 3,000 रुपये में, और मेडिकल भी आपका इसमें आ जाएगा, और क्वार्टरली जो आपकी जो फीस जो रहती है वो भी इसके अंदर आ जाएगी, और जिम वगैरह अगर फैसिलिटी है वो भी इसके अंदर 3,000 रुपये के अंदर आ जाएगा कम्प्लीट। तो ये काफ़ी अच्छा कोर्स जो रहेगा। और अब लास्ट में मैं बात करना चाहूँगा कि भी मैंने CTI कहाँ से की। तो प्रिय विद्यार्थियों 9-10 के अंदर मैंने जो CTI जो है वो हैदराबाद से की हुई है, ठीक है ना, ATI हैदराबाद के अंदर मैंने CTI किया हुआ है, फिटर ट्रेड से मैंने ITI किया है, उसके बाद मैंने डिप्लोमा किया, उसके बाद अप्रेंटिस, CTI, जो भी इस लाइन से रिलेटिव जो है वो कोर्सेज मैंने किए हुए हैं। तो ATI जो आपकी जो हैदराबाद जो रहेगा, बाकी तो मेरे को नहीं पता, लेकिन हैदराबाद के बारे में मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ, काफ़ी अच्छा कैंपस जो आपका रहेगा, और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से वहाँ पे ट्रेनिंग करवाई जाती है, और POT सबसे महत्वपूर्ण होती है, तो हैदराबाद के अंदर एक बहुत ही अच्छे तरीके से POT कराए जाते हैं, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, ठीक है ना, बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे रिकॉर्ड मेंटेन बच्चों से करवाया जाता है, कैसे जॉब बनवाई जाती है, वो पूरा का पूरा जो कार्य आपसे जो टीचर करवाते हैं ITI के अंदर है, वो सारा POT के अंदर आपको सिखाया जाता है। अगर प्रिय विद्यार्थियों ये जो ट्रेड्स जो मैंने आपको बताई थी, कौन कौन सी जो ट्रेड जो रहेगी, तो इसकी मैं पूरी PDF बनाकर मेरे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ से जाके भी आप डाउनलोड कर सकते हो कि कौन सी ट्रेड की कितनी सीटें हैं, ठीक है ना, क्योंकि पूरा तो हम इसमें चर्चा कर नहीं पाएंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। तो प्रिय विद्यार्थियों वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक आपको जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।